तो बताते हैं कि तीन तरीके की नेशनलिज्म होते हैं। एक होता है क्रियोल नेशनलिज्म, एक होता है हमारा लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, और एक होता है हमारा जो है ऑफिशियल नेशनलिज्म। तीनों नेशनलिज्म को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो क्या होता है कि सबसे पहले समझना है क्रियोल। तो क्रियोल क्या होता है, वो बताते हैं कि जब वर्टिकल आइडेंटिटीज़ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटीज़ में बदल जाती है। बेसिकली क्या होता है कि वर्टिकल आइडेंटिटीज जो अपने को हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जो एथनिक कल्चर लैंग्वेजेस वगैरह जो भी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से थ्रू जेनेटिकली या फिर जो हमें मदर टंग के थ्रू मिलती है, वो हमारी वर्टिकल आइडेंटिटीज होती है। और वो जो हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटीज में बदल जाती है, वो मतलब कि ये कि आप जो है आपके जो है डिफरेंट लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हो और अपने आपके आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो, वो सारी चीज़ें जो हो जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटीज बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करो, या आप हमेशा से चाहते हो क्योंकि आपको जो है कुछ ना कुछ तरीके का इकोनॉमिक एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। सेकेंडली हो जाती है लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एक इस तरीके की, जिस तरीके से यूरोप में हमको देखने को मिलता है, एक तरीके के लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई हम लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि आपको स्लैविक नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप पढ़ोगे, अगर जो स्लैव्स थे, आपने पढ़ा होगा कि जो रीजन था बाल्कन रीजन था जहाँ पर स्लैव्स थे, उन्होंने देखा कि हम लोगों पे जो रूल कर रहे हैं वो लोग नॉन स्लेव्स हैं, और हम लोग जो है एक स्लैविक लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोग बहुत यूनिक है। तो बेसिकली वो लोगों ने जो है फिर रिवॉल्ट किया। और आपको आज भी जो है देखने को मिलेगा कि रशिया का जो स्लैविक कल्चर है वो आपको यूरेशिया स्पेस में अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो स्लैविक नेशनलिज्म है वो भी किस पे बेस्ड था, लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी पे बेस्ड था। तो इसलिए लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एक टाइप का नेशनलिज्म हो गया, एक हो गया हमारा जो है क्रियोल नेशनलिज्म, ठीक है, जब लोग आपस में जुड़ने लग जाते हैं किसी भी तरीके के फ़ायदे इंटरेस्ट के लिए, और एक हो जाता है ऑफिशियल नेशनलिज्म, जैसे कि जो रशिया में था। बेसिकली मैंने आपको बताया था यूएसएसआर में क्या हो रहा था कि यूएसएसआर बना दिया गया था और रशिया का जो भी कल्चर है उसको बाकी जगह इम्पोज करने की कोशिश की जा रही थी, और बताया जा रहा था कि ऑफिशियली जो है हमारा कल्चर ये होगा, ऑफिशियली लैंग्वेज हमारी ये होगी, हमारा जो है क्या कहते हैं फ्लैग ये होगा, ये सारी चीज़ें जो है बनाई जा रही थी। तो बेसिकली कल्चरल होमोजेनिटी फ्रॉम द टॉप, मतलब ऑफिशियली जो है कल्चरल होमोजेनिटी आ रही थी, लेकिन इस तरीके की कल्चरल होमोजेनिटी ज़्यादातर टाइम तक टिकती नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको कोई ऊपर से बोल रहा है कि आप ये फॉलो करोगे, आप ये पहनोगे, आप ये करोगे, तो आप ज़्यादा टाइम तक के जो है वो चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली वही हुआ यूएसएसआर में, फिर जिस तरीके से ब्रोक डाउन हुआ। तो वैसे ही हम तीन टाइप के नेशनलिज्म समझ चुके हैं, क्रियोल नेशनलिज्म, एक हो गया हमारा लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, और एक हो गया हमारा ऑफिशियल नेशनलिज्म। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप जो है स्टडी कर रहे हो वीडियो में से, आपको पॉइंट्स आप याद नहीं रहेंगे, आप जो है कभी भी एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा हमेशा नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में जो है बाद में आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो है हमारा हम पढ़ने वाले हैं इंपीरियलिस्ट अप्रोच। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इंडिया जो है कभी भी नेशन नहीं रही है बेसिकली ब्रिटिशर्स के आने के पहले, ठीक है। तो हमने नेशनलिस्ट अप्रोच पढ़ा, उसमें हमने क्या समझा था कि नेशन हम लोग किस तरीके से बनेगी हमने समझा था। अब हम समझेंगे कि इंपीरियलिस्ट अप्रोच क्या होती है। इंपीरियलिस्ट लोग मानते हैं कि हम लोग जो है कभी भी नेशन थे नहीं, हम लोग आपस में लड़ते रहते थे, और ये ब्रिटिशर्स के कारण ऐसा हुआ कि हम लोग जो है साथ में आए। तो बेसिकली जो है ब्रिटिशर्स जब आए और जब हम पर रूल किया, तब जाकर हम एक नेशन बने। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की देन है, और इसलिए वो भी बताना चाहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। ऑफ कोर्स ही बात है, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, बहुत सारे रिलीजन हुआ करते थे, और एक ही सेक्ट के मतलब एक ही रिलीजन के अंदर बहुत सारे सेक्ट्स भी हुआ करते थे। मतलब हिंदू हैं तो हिंदूज के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के हिंदूज हैं, कास्ट में डिवाइडेड थे। और इसके अलावा जो है इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एंटी कॉलोनियल स्पिरिट की वजह से जो है वो साथ में आया। तो बेसिकली बहुत सारे थिंकर्स जो हैं, बेसिकली जो ज़्यादातर जो होते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस, वो ये मानते हैं कि अगर इंडिया जो है वो इंडिया कभी भी साथ में नहीं आता, अगर साथ में नहीं आता अनलेस एंड अनटिल ब्रिटिशर्स नहीं आते तो, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा आज भी हमको ये सोचना चाहिए कि क्या इंडिया जो है अगर क्या ज़्यादा डेवलप हो पाता है अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते, मतलब हमारे कंट्री में कभी आते ही नहीं, तो क्या हमारी कंट्री आज वैसी होती जैसी आज हमारी है? तो ये एक सोचने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ब्रिटिशर्स यही बताते हैं कि हम जो आए हैं तो हमारे वजह से ही जो है तुम्हारा नेशनलिज्म डेवलप हुआ है,
और तुम लोग जो है एक यूनाइटेड नेशन बने हो, और अगर तुम हम नहीं आते तो बेसिकली जो है तुम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं बन पाते। तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हम समझते हैं कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि नेशनलिज्म किस तरीके से डेवलप हुआ और क्या ब्रिटिशर्स का रोल था, इंडिया को पूरा एक साथ लाने का क्या ब्रिटिशर्स का रोल था, ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स इसी बात का एविडेंस दिया करते हैं कि जब हम इंडिया में आए थे तब बेसिकली कोई इंडिया नेशन वेशन था नहीं, इंडिया में सब लोग अलग अलग रह रहे थे और अलग अलग प्रिंसली स्टेट में रह रहे थे, और ऐसा कुछ था नहीं जैसे आप बोल रहे हो कि ना क्या कहते हैं कोई एक नेशन है, इंडिया एक नेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या ऐसा सच था और क्या ये ब्रिटिशर्स जो बोल रहे हो सच है, तो ये हम समझते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे हिस्टोरियन बताते हैं कि इंडिया एक स्टेट है लेकिन नेशन इन मेकिंग है, मतलब नेशन अभी बनना नहीं है, नेशन बन रहा है, अभी तक नेशनलिज्म की जो है फीलिंग आई नहीं है। और ये बात तो बहुत सारे नेशनलिस्ट जो है स्कॉलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब नेशन हमारा जो है बना नहीं था, आज जो हम यूनिटी देखते हैं उस टाइप की यूनिटी पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और EH Carr जो है, EH Carr का आपने नाम सुना होगा, एक फेमस हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म बताते हैं कि किस तरीके का होता है। वो बताते हैं एक आइडिया ऑफ कॉमन गवर्नमेंट वेदर एज अ रियलिटी इन द प्रेजेंट और पास्ट और एज एन एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर। तो बेसिकली नेशनलिज्म क्या होता है बताते हैं, एक कॉमन गवर्नमेंट का आइडिया अगर आपके पास हो, या तो प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, और एक तरीके से जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में जो है क्लोजनेस हो, एक नज़दीकियाँ हो, कि कुछ लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक जो है मोर और लेस डिफाइंड टेरिटरी हो, मतलब या तो एक टेरिटरी जो है थोड़ी बहुत डिफाइंड हो कि भाई हम हमारी टेरिटरी यहाँ से यहाँ तक होगी। सेकेंडली ये है कि एक करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेसिकली जैसे कि समझ लीजिए आप अगर इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में लैंग्वेजेस भी अलग अलग है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे कोई पर्टिकुलर रीजन में तो वहाँ पर एक ही जैसी लैंग्वेज बोली जाती है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होना चाहिए जो सेम हो, जैसे कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ताकि वो डिफरेंट कर सके दूसरे नेशन से या दूसरे नेशनल ग्रुप से। ठीक है बेसिकली, और इसके अलावा जो है इंटरेस्ट, मतलब कुछ ऐसे इंटरेस्ट होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो, और एक कॉमन फीलिंग भी होना चाहिए कि हम लोग जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ये सब, ये फीलिंग किसके माइंड में होना चाहिए, इंडिविजुअल के माइंड में होना चाहिए। तो इंडिया की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं अगर, तो इंडिया कोई नेशन था ही नहीं। ठीक है बेसिकली जब ब्रिटिशर्स आए तो इसलिए ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट जो है वो सोचते हैं कि इंडिया जो है नेशन है ही नहीं, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इंडिया तो कोई नेशन है ही नहीं। तो बेसिकली नेशनल इंडिया का जो आइडिया है वो ब्रिटिशर्स हजम ही नहीं कर पा रहे थे 1930s तक के, जब तक साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, और ब्रिटिशर्स वही मान रहे थे कि इंडिया जो है कोई नेशन है ही नहीं, और वो बोल रहे थे कि अगर हम लोगों ने इंडिया छोड़ के चले गए तो हो सकता है कि इंडिया जो है छोटे छोटे पीसेस में पड़ जाए और फिर से जो है प्रिंसली स्टेट्स में पड़ जाए। लेकिन रियलिटी में ये है कि नेशनलिस्ट कंसेप्शन जो है मासेस में जब तक आ चुका था, इसलिए जो है जब इंडिया आज़ाद हुई भले ही पार्टीशन हो गया, वो होना नहीं था लेकिन हो गया, लेकिन इसके अलावा हमारी जो कंट्री है वो बिखरी नहीं, और क्योंकि हमारी कंट्री बिखर जाती तो फिर क्या ही मतलब हो जाता। ठीक है, अगर 565 टुकड़े हो जाते, 565 प्रिंसली स्टेट बन जाते तो क्या वो यूनिटी रह पाती, क्या वो नेशन बन पाता जो आज इंडिया है, नहीं बन पाता, एक स्मॉल कंट्री बन के रह जाता, जैसे कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है वर्ल्ड में, वैसे ही कंट्री बन के एक छोटी सी कंट्री ब्रिटेन, ब्रिटेन खुद इतनी छोटी सी कंट्री है, तो वैसी कंट्री बन के रह जाता। ठीक है, लेकिन आज इंडिया इतनी बड़ी कंट्री बन पाया है इसलिए, ताकि क्योंकि सारे लोग साथ में आए हैं। तो कुछ ब्रिटिश स्कॉलर्स रहते हैं जैसे कि LF Rushbrook, विलियम्स, RP Dutt, वो बताते, वो उनको डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब RP Dutt जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं LF Rushbrook विलियम्स को मॉडर्न इम्पीरियलिस्ट एपोलॉजिस्ट के रूप में। तो वो बताते हैं कि ये ब्रिटिशर्स के कारण ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स इतने सिविलाइज थे, उन्होंने इस तरीके के आइडियाज़ लाए जैसे कि नेशनल कॉन्शियसनेस का आइडिया लेकर आए, डेमोक्रेटिस डेमोक्रेसी का आइडिया लेकर आए, और इंडियंस को जो है ब्रिटिशर्स के जो स्कूल्स हुआ करते थे उसमें पढ़ाया गया, और लिबरल तरीके से पढ़ाया गया, डेमोक्रेटिक तरीके से पढ़ाया गया, और इसके वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियंस को ट्रेन किया, और फिर बाद में वही जो लोग ट्रेन होकर खुद के लिए भी वही चीज़ डिमांड करने लग गए। तो बेसिकली आप जो है उनको पढ़ा रहे थे, हमने ही उनको पढ़ाया है ऐसा उनका मानना है, और वो फिर हमारे खिलाफ जो है क्या कहते हैं रिवॉल्ट करने लग गए कि हमको भी इसी तरीके का स्टैंडर्ड चाहिए। तो RP Dutt के वर्ड्स में अगर हम देखें कि
जो मॉडर्न एज में जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ है, जो बहुत सारे जगह पे हुआ है, तो बेसिकली इंग्लैंड जो है वो पर्टिकुलरली इसका वो नहीं है कि भाई इंग्लैंड में ही हुआ है तो जो है ब्रिटिशर्स जो है हमें आकर सिखाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज़ थे वो ऑलरेडी आ चुके थे। तो और उसके बाद जो है 20th सेंचुरी में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है क्या कहते हैं बिल्कुल इन लोगों के ऊपर ही बैठे हुए थे कि ब्रिटिशर्स आएंगे और सिखाएंगे तो ही जो है हम सीखेंगे, ठीक, ऐसा नहीं होता है। सेकेंडली जो होता है वो ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे जो एशिया है और बाकी जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं वो सब जो है क्या कहते हैं कॉन्शियस हो गई थी, हो गई थी और उनको फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो क्या कहते हैं जो अवेकनिंग थी इंडिया की वो इसलिए हो रही थी, वो इंडिया की अवेकनिंग भी इसलिए हुई क्योंकि जो है आपस में जो वर्ल्ड करंट्स आ रहे थे, मतलब जैसे कि कुछ बाहर हो रहा था तो उसमें अफेक्ट तो हमें इंडिया को भी पड़ेगा, तो बेसिकली इंडिया को अफेक्ट पड़ता है और इसलिए इंडिया जो है उस तरीके से डेवलप होती है। और जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जब इंग्लैंड जाते हैं 1830 के अंदर, तब इंडियन नेशनलिज्म का आइडिया जो है डेवलप होता है, और जो कि सपोर्ट होता है प्रिंसिपल बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली ये आइडिया को इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी लिया गया था, और साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इसलिए इंस्टीट्यूट की गई थी, और इसलिए इंस्टीट्यूट की गई थी ताकि जो लोगों का राइट्स है उसको इंश्योर कर सके अंडर द ब्रिटिश इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कॉलोनियल अप्रोच। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नेशनलिस्ट अप्रोच, इंपीरियलिस्ट अप्रोच। अब कॉलोनियल अप्रोच क्या बताती है? बेसिकली वो बताती है कि ब्रिटिशर्स ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, उसको सपोर्ट करती है और उसमें बिलीव करती है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? तो बेसिकली जितने भी ये राइटर्स हैं ये बेसिकली इस पर बिलीव करते हैं, बिल्कुल सच मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉलोनियल अप्रोच जो है फर्स्ट टाइम ब्रूस टी मैक्यूली ने बनाई थी, जो कि एक अमेरिकन स्कॉलर थे जो कि 1940 में बनाते हैं, और ये लिबरल एकेडमिक स्ट्रक्चर देते हैं इस टाइप के अप्रोच को। और फिर इसको जो है रेगिनल्ड कॉपलैंड जो है रेगिनल्ड कॉपलैंड बनाते हैं, और फिर 1947 में परसिवल स्पेयर बनाते हैं, जो बताते हैं कि ब्रिटिशर्स के जो है इंटेंशन बहुत अच्छे थे और इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिए, और बल्कि वो रख सकते थे, और इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस नहीं देते तो भी उनको चल जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे इंटेंशन थे ताकि इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिए। और एक नए तरीके के ट्रेडिशनलिस्ट हिस्टोरियन बनने लग गए, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाने जाने लग गए, कैम्ब्रिज स्कूल हिस्टोरियंस। वो बताते हैं जैसे कि उसके अंदर अनिल सील आते हैं, जॉन गैलेगर आते हैं, जुडिथ ब्राउन आते हैं। वो बताते हैं कि इंडिया किसी नेशन इन मेकिंग भी नहीं था, बल्कि इंडिया तो कभी कोई नेशन था ही नहीं, बस ये कॉन्ग्लोमरेशन था कास्ट, रिलीजन, एथनिक कम्युनिटी और लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ मासेस का। तो इसलिए तो अनिल सील बोलते हैं कि इंडिया कभी एक नेशन था ही नहीं, इंडिया वॉज नेवर अ नेशन। तो बेसिकली वो बताते हैं कि नेशनल मूवमेंट तो बेसिकली कुछ भी नहीं था, हर इंसान अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन के लोग अपने अपने जो है क्या कहते हैं पोजीशन को जो है क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, इसलिए खुद के बेनिफिट के लिए, फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, इसलिए उन लोगों ने जो है बनाया। और बेसिकली जो इंटरेस्ट है इंडियन पीपल का, और इंडियन पीपल का इंटरेस्ट जो है बहुत बढ़ने लग गया था, इसी की वजह से जो है ब्रिटिश रूलर्स के बीच में और इंडियन पीपल के बीच में जो है कॉन्ट्रेडिकेशंस आने लग गए। तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इंडिया जो है नेशन बन रहा था, और ये भी नहीं मानते वो कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली अगर डेवलप होना चाहे तो कॉलोनियलिज्म को हटाना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्लोमरेशन है कास्ट और कम्युनिटीज़ का, और वो मानते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरीके से लड़ रही थी, जैसे कि अनिल सिंह लिखते हैं कि हम देखते हैं कि भाई वो लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम पास से देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अनिल सिंह जो है वो बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमको समझ में आता है कि ये जो है कॉलोनिस्ट थिंकर्स मानते हैं, समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म बहुत अच्छा था इंडिया के लिए, और इंडिया जो है कभी नेशन था ही नहीं, और इंडिया में जो क्या कहते हैं जो एक तरीके का जो एलिट ग्रुप था वो चाहता था कि खुद की पावर गेन करे, इसलिए उसने जो है इस स्ट्रगल को लीड किया। और वो बाकी सारी चीज़ें भी इग्नोर कर देते हैं कि जो इन्फ्लेशन हो रहा था, जो लोग जो है डिजीज के कारण मारे जा रहे थे, जैसे कि 1920 में एक महामारी जो आ जाती है, पेंडेमिक आ जाता है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं, ड्रॉट को इग्नोर कर देते हैं, डिप्रेशन को इग्नोर कर देते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को भी वो इग्नोर कर देते हैं इंडियन नेशनलिज्म की। और बस वो ये बताना चाहते हैं कि डिफरेंट लोग जो है वो एक साथ आके कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपना पावर चाहिए, बस यही उनका जो है सिंपल सा अप्रोच है। और आप देखेंगे कि कॉलोनियल अप्रोच के बारे में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है इस बुक में,
क्योंकि कॉलोनियल अप्रोच जो है, हम एज बेसिकली जो है कॉलोनियल अप्रोच को फॉलो नहीं करते। जब एग्जाम में भी आपको क्या कहते हैं, जब लिखने का बताया जाता है तो आप कॉलोनियल अप्रोच को इतना ज़्यादा जो है हाईलाइट नहीं करते, उसको सिग्निफाई नहीं करते, क्योंकि आप जो है नेशनलिस्ट अप्रोच की तरह ज़्यादातर डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो नेशनलिस्ट अप्रोच को ही जो है फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सप्लॉयटेटिव थे इन नेचर। सेकेंडली, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो माना जाता है कि आर पल में दत्त के द्वारा और बाद में ए आर देसाई द्वारा जो है बनाया गया, और बाद में बहुत सारे लोगों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। और ये मैंने आपको उससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया था कि मार्क्सिस्ट अप्रोच जो मैंने आपको जब समझाया था बिटवीन ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में समझाया था, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मार्क्सिस्ट अप्रोच में बताते हैं कि ब्रिटिशर्स वो मानते हैं, वो लोग मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत ख़राब काम किया, बट वो ये भी मानते हैं कि इंडिया के अंदर भी जो है बहुत सारे दो तरीके के ग्रुप हुआ करते थे। एक तो था इंडियन रिच एलाइट, एक इंडियन रिच एलाइट था जो कि डोमिनेट करता था, और एक जो था पुअर क्लास थी। तो वो मानते हैं कि जो पुअर क्लास है वो आज भी जो है सफ़र कर रही है, और ये जो एक मोमेंट था ये पूरा का पूरा बुर्जुआ लेड मोमेंट था, जो नेशनलिस्ट मोमेंट था ये बुर्जुआ लेड मोमेंट था। और बेसिकली ये मोमेंट जो है मतलब बाकी जो पुअर क्लास है उनको दो बार लड़ना पड़ रहा था, एक तो उनको लड़ना पड़ता है इंडियन रिच एलीट से भी, और उनको जो है लड़ना पड़ता है पुअर क्लास मतलब सॉरी उनको लड़ना पड़ता है टू दी ब्रिटिशर्स से भी। तो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन रिच एलीट का मूवमेंट था। वो ये मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया रूरल इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का, हैंडीक्राफ्ट का, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किए, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया। मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से, देखिए जो कास्ट और क्लास लाइनिंग्स थी वो ब्लर होने लग गई थी। कैसे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो पहले तो क्या होता था कि ब्राह्मण है शूद्र है, ब्राह्मण है शूद्र है, तो बेसिकली साथ में मिलेंगे नहीं, साथ में देखेंगे नहीं, गांव अलग रहेगा, बर्तन अलग रहेंगे, अगर किसी को देख लिया तो बहुत ज़्यादा गंगा जल छिड़केंगे, तो इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो ये इस तरीके की चीज़ें ब्राह्मण शूद्र और क्षत्रिय और वैश्या, तो बेसिकली जो है ये चारों के चारों जो है अलग अलग तरीके से रहा करते थे, तो ये सारी चीज़ें गाँव में बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके का जो प्रोडक्शन का सिस्टम चल रहा था इसको डिस्ट्रॉय करना जो है मार्क्स बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स नहीं मार्क्स स्कॉलर्स बताते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का सिस्टम जो है डिस्ट्रक्ट हो गया और कैपिटलिस्ट मशीन लेड प्रोडक्शन आ गया। मशीन लेड प्रोडक्शन आ गया, अब कंपनी ने 100 लोगों को एम्प्लॉय करा, और उसमें ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, सब साथ में बाजू बाजू में खड़े होकर काम कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कास्ट और क्लास लाइनिंग्स जो है वो ब्लर होने लग गई थी, और साथ में जो है इसलिए जो है ये जो विलेजेस का सिस्टम था ये वीक हो चुका था, और लोग जो है क्या कहते हैं सोसाइटी में सिटी में भी जा रहे थे काम करने के लिए। और ये बहुत अच्छा हो रहा था अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, क्योंकि क्या होता है कि नया स्टेट स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम पे बेस्ड था इंग्लिश के, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो हमेशा से उनका थोड़ा सा यू नो पार्लियामेंट उनकी स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, तो बेसिकली उनका एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी वगैरह जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई जो कि हमको जो है अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग जो है आज भी जो है हम जो जिस तरीके से पार्लियामेंट फॉर्म सिस्टम बना रहे हैं, हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो आज भी जो है बहुत सारे हमने आइडियाज़ ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट्री चीज़ों से लिए हैं, तो बेसिकली उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बहुत सारे आइडियाज़ लिए हैं, तो हमको वो चीज़ें अच्छी लगती है इसलिए तो हम उसके आइडियाज़ को हमेशा लेते हैं। अगर हम प्रोफेसर इरफान हबीब के वर्ड्स में बात करें तो वो बताते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में, फिर लेटर हाफ 19th सेंचुरी में क्या होता है कि कुछ तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि आप भी मानोगे कि रेलवेज जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आज भी आप देख सकते हो रेलवेज कितना ज़्यादा जो है यूज़फुल है। तो बेसिकली रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करना, भले ही वो सारी चीज़ें जो है कॉलोनियल ने अपने खुद के बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रलाइज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के सिस्टम अच्छे हो गए, लोगों को ऐसा लगने लग गया कि भाई अब हम लोग सब साथ में हैं, हम एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी है। मतलब पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, अब जैसे कि हर प्रिंसली स्टेट अलग अलग है तो हर प्रिंसली स्टेट अलग अलग रूल कर रहा है, तो उनको एक अपना जो है अपनापन नहीं लगता था, सब लोग साथ में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब जो है उनको ऐसा लगने लग गया कि हम लोग एक सिंगल एंटिटी है। और जो तरीके की उन्होंने एजुकेशन फैलाई, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो उससे जो है क्या कहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो है प्रेस जो उन्होंने लाई, प्रेस के कारण भी जो है इंडिया के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें फैलने लगी, जैसे कि
आइडियाज फैलने लग गए, न्यूज़पेपर जो है सर्कुलेट होने लग गए। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ नेशनलिस्ट बताते हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी अपनी बुक पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर, और आरसी दत्त अपनी बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर, कि पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ थी, पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ थी जो जो है हर जगह कॉमन थी। बेसिकली जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण जितने लोग जो है इंडिया के अंदर पुअर हो चुके थे, ये एक ऐसी चीज़ थी जो ओवरऑल इंडिया में फेल्ड हो रही थी। हर जगह जो है हम इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे थे। और तीन ऐसी प्रोसेसेस हुई जिससे नेशन जो है इंडिया जो है वो एक नेशन बन गया। पहली बात तो एक ऐसा आइडिया था कि इंडिया जो है एक कंट्री है, वो एक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपके पास आइडिया नहीं आएगा कि इंडिया एक कंट्री है, तो वो आप जब तक सोचोगे कैसे कि ये नेशन बन सकता है। तो इंडिया एक कंट्री है ये सोचना जो है ये एक आइडिया। दूसरी चीज़, मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ आने लग गए थे एजुकेशन से वो। और तीसरा जो है, स्ट्रगल कर रहे थे हम कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ आई जो कि बहुत ज़्यादा जो है डिसिसिव थी, वो ये थी कि इंडियन नेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब कॉलोनियलिस्ट नहीं आते अगर, तो हमेशा से अगर कॉलोनिस्ट नहीं आते तो क्या कहते हैं, हो सकता हमारा इंडिया एक नेशन नहीं बनता। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि कॉलोनियलिज्म आया और फिर हम लोग जो है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करते करते हम जो है एक नेशन के रूप में बनकर उभर कर आए। तो जो इंपीरियलिस्ट ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का, और स्पेशली जो ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल के कुछ ग्रुप्स थे जैसे कि एंड्रयू यूल और जार्डिन स्किनर, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो बेसिकली जो लोगों की माइजरी थी, लोगों की परेशानी थी, दुख दुविधा थी, जो स्ट्रगल कर रहे थे लोग, जैसे कि वहाँ पर रिलीजियस बेस्ड स्ट्रगल नहीं हो रहा था, मैंने आपको बताया, ना ही रेशियल बेस्ड हो रहा था, और पूरी तरीके से हर इंसान को जो है अप्रेस कर दिया था इतना जो है ब्रिटिशर्स ने, कि हर लोग जो है अपने आपस में जो है सब लोग मिलकर अपने आइडियाज़ को जो है क्या कहते हैं नेशनल कॉन्शियसनेस के रूप में बदल रहे थे। और इतना ज़्यादा ये आइडियाज़ जो है वो बढ़ते चले गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत ज़्यादा हद तक इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करके रखा था। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए, एक गांव है उसमें समझ लीजिए ब्राह्मण की भी वही हालत हो रही है, शूद्र की भी वही हालत हो रही है। फिर लोग पता चला कभी मिल गए रास्ते में कि भाई बोले कि क्या भाव बढ़ रहे हैं, फिर वो लोग बात करेंगे आपस में, यार कितने भाव बढ़ रहे हैं, तो कितने है ना क्या कहते हैं हमारा है ना नुकसान हो रहा है, मुझे तो क्या कहते हैं अभी तक मेरे है ना क्या कहते हैं लोन ही नहीं चुका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो दोस्त बन जाएंगे। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि पूरी तरीके का नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, लोग अपने आपस में जो है अपनी परेशानियाँ बांट रहे हैं। और ब्रिटिशर्स जो है वो जब पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, और बाद में जब ब्रिटिश क्राउन जो स्टैब्लिश हो गया था 1858 के बाद से, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड होने लग गए थे। तो बेसिकली उस टाइम ऐसा भी था कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हो रहे थे, 1857 का रिवॉल्ट आपने पढ़ा है, उसके बाद आपने बहुत सारे पीजेंट रिवॉल्ट भी पढ़े होंगे, उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा किस तरीके से लोग जो है वो रिवॉल्ट करते थे और जो है क्या कहते हैं अटैक करते थे, और फैमिन आने लग गई थी, ड्रॉट आने लग गया था, कितना जो है क्या कहते हैं लोग परेशान हो गए थे, और ना लोग सुसाइड भी करते थे, और लोग इतना ज़्यादा इनडेप्ट हो गए थे कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसी सारी चीज़ें परेशानियाँ उस टाइम पे हुआ करती थी, तो वो सारी परेशानियाँ मिलकर लोग जो है क्या कहते हैं अपोज करते थे टूवर्ड्स दी ब्रिटिशर्स। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन बुर्जुआ था वो डोमिनेंट पोजीशन में राइज होता है। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में। एक तो हम पढ़ेंगे दत्त के बारे में, हम मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि जब हम टर्म यूज़ कर रहे हैं इंडियन बुर्जुआ, बुर्जुआ हम किसको रेफ़र करते हैं, हमें बुर्जुआ उसको रेफ़र करते हैं जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि अपर लेयर होती है, क्रीमी लेयर होती है। और अक्सर मार्क्स या मार्क्सिस की जो राइटिंग्स होती है उसमें आपको दिख जाएगा बुर्जुआ वर्ड का यूज़। तो इसलिए हम समझेंगे कि जो बुर्जुआ होती है ये डोमिनेंट पोजीशन किस तरीके से गेन करती है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। अल्सो ये बताना चाहते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा था, क्योंकि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या बताते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट को मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बुर्जुआ लेड मूवमेंट था। व्हाट इज़ अ बुर्जुआ लेड मूवमेंट, मैंने अभी आपको समझाया कि जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड क्लास थी। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप देखते हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम के फाइटर्स को, ठीक है, तो आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस को, आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू को, आप देखोगे गांधी जी को, आप देखोगे कितने लीडर्स, आप देख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले, आपके कोई भी लीडर को देख लीजिए, ठीक है, तो आप उनके बैकग्राउंड को चेक करिए तो आपको लगेगा कि ये मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो है एजुकेशन ली थी
या तो इंडिया में, या तो बहुत सारे जो है फॉरेन से एजुकेशन लेकर इंडिया में आए थे। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो मासेस है, 99% जो पीपल है वो मासेस हैं, वो जो है क्या कहते हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट हैं और जो पुअर हैं, वो सब जो है सप्रेस हो जाती है। और ये जो बूर्जुआ मूवमेंट है, मतलब बूर्जुआ लेड मूवमेंट, ये जो मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास जो पीपल है जो कि एजुकेशन ले चुके हैं और वही जो है मूवमेंट को लेड करते हैं। तो बेसिकली ये जो है बूर्जुआ लेड मूवमेंट है, ऐसा मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आरपी दत्त, किस तरीके से ये बूर्जुआ जो है वो राइज करता है वो भी हम समझेंगे। तो उस टाइम पे मतलब आरपी दत्त बताते हैं कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्यों स्टार्ट होता है, देखिए अगर आप कोई गवर्नमेंट है, कई कई पर आज भी वर्ल्ड में जो है आपको मोनार्कियल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, वेरी रेयरली। लेकिन क्या होता है कि अगर आज भी वहाँ पर मोनार्कियल गवर्नमेंट है, इट डज सिग्निफाइज दैट कि वहाँ का जो राजा है वो जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत फेमिलियर है और लोगों को जो है एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर कोई ऐसा रूलर होता है जो कि आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा है, आप जो है इट इज़ लीस्ट लाइकली कि आप उनके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करोगे। तो बेसिकली अगर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इंडियंस को पसंद आती तो इंडियंस कभी भी उनके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करते। तो बेसिकली इसलिए ही जो है माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने जो भी उस टाइम पे इंपीरियलिज्म की कंडीशन बना के रखी थी और जिस तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कैसा था, सोशल भी था और इकोनॉमिक भी था। तो इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण जो है उस टाइम पे इंडियन बुर्जुआ का राइज होता है। अब इंडियन बुर्जुआ क्या होती है, जैसे कि आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा लीडर्स के बारे में कि जो सुभाष चंद्र बोस हो गए, या फिर आप पढ़ोगे गोपाल कृष्ण गोखले, आप पढ़ोगे लाला लाजपत राय। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब 1885 में बैक जो है कांग्रेस फॉर्म होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बेसिकली उस टाइम पे ये होता है कि जो इंडियन लीडर्स थे जो कि एजुकेटेड थे, वो ब्रिटिशर्स को जो है कॉम्पीट करना चाहते थे, चैलेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने के लिए बहुत कम लोग ही भले ही, लेकिन फिर भी जो है वो पावरफुल लोग थे। पावरफुल लोग इसलिए थे क्योंकि वो लोग जो है सोशली और इकोनॉमिकली जो थे वो वेल फिटेड थे, इसलिए उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। तो बेसिकली इंडियन बुर्जुआ जो होता है, वो उस टाइम पे राइज कर रहा था। और ये जो है किसको कंपटीशन दे रहा था, जो ब्रिटिश बुर्जुआ है, ब्रिटिश बुर्जुआ यानी जो इंग्लिश मैन है जो आ चुके हैं यहाँ पर, और वो इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन मशीनरी, इन टर्म्स ऑफ यू नो जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे मिलिट्री कंटोनमेंट में, तो वो सब लोग जो है वो ब्रिटिश बुर्जुआ है। तो बेसिकली उसको जो है डोमिनेट कर, मतलब जो डोमिनेशन था ब्रिटिशर्स का, उसको चैलेंज कौन कर रहा था, इंडियन बुर्जुआ। और आरपी दत्त एक और रीजन बताते हैं कि किस तरीके से जो बुर्जुआ है, इंडियन बुर्जुआ, वो स्ट्रेंथन कैसे हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एजुकेशन का जो सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि एजुकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी, लोग जो है घर में ही पढ़ा करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है स्कूल सेटअप की। तो बेसिकली उस टाइम पे ये जो स्कूल वूल सेटअप करने का जो कॉन्सेप्ट था, ये नहीं हुआ करता था। तो इसलिए जो है ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन सेटअप करने से बुर्जुआ जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। और उस टाइम पे जो है इंडियन लोगों को, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को, सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो इंग्लैंड जाते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, फोर्थ पोजीशन उनकी आ जाती है, प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, लेकिन वो जो है उसको छोड़ कर आ जाते हैं और वो जो अमाउंट है उसको भी रिटर्न कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की गुलामी करने से अच्छा इंडिया की जो है, मैं इंडिया के लिए जो है फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को क्यों ट्रेन करते थे, क्योंकि इंडियन से उनको क्या मिलता था, इंडियन से उनको मिलते थे नौकर। नौकर इन द सेंस आप सिविल सर्वेंट ले लो, आप जो है नो कोई भी क्लर्क ले लो, बाबू बोला करते थे उस टाइम पे, तो वो ले लो, मतलब जो है पढ़े लिखे नौकर, कुछ स्किल्ड नौकर, कुछ ट्रेंड नौकर। तो बेसिकली उस टाइम पे उनको जो है इंडिया से जो है वर्क फोर्स चाहिए थी, और वो चाहते थे कि इंडियन जो लोग हैं उनको जो है स्किल्ड और ट्रेन चाहिए थी उनको। तो बेसिकली वो चीज़ जो है इंडियंस जो है उनके लिए काम में आते थे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको बेस्ट एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस का ही आप दे सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने जॉब छोड़ के
जो है ज्वाइन कर दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। तो बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इन्होंने ज्वाइन किया, तो बेसिकली एक चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी कि किस तरीके से जो बूर्जुआ क्लास बनते जा रही थी वो हो सकता है या तो ब्रिटिशर्स के जॉब में जाती या तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्वाइन कर लेती। तो बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया कि नहीं, हमें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करना है, ना कि हमें जो है ब्रिटिशर्स की गुलामी करना है। तो ये जो थी कहीं ना कहीं बूर्जुआ क्लास थी, इसलिए जो है मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया, त्याग दिया, लेकिन अभी हम आगे वाले पर्सपेक्टिव में पढ़ने वाले हैं, सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव में, कि उनका इतना बलि जो उनका बलिदान उन्होंने दिया, बहुत अच्छे से दिया, लेकिन जो इंडिया की आबादी थी उस टाइम पे कोई 100 करोड़ की आबादी नहीं, लेकिन उससे कम 60 से 70 करोड़ लीजिए, तो उस टाइम पे की जो आबादी थी उतनी आबादी ने भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन किया था कहीं ना कहीं से, लेकिन उनका कहीं हमें नाम नहीं देखने को मिलता है। और बहुत ऑर्डिनरी लोग जो हुआ करते थे उनका हमको नाम नहीं देखने को मिलता है, और सिर्फ हमें ये लीडर का ही नाम देखने को मिलता है। और ये जो है हम पढ़ेंगे सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव में। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये बताते हैं कि किस तरीके से जो पुअर्स थे उन लोग अपना जो है कहीं ना कहीं अपराइजिंग करते थे, रिवॉल्ट करना चाहते थे ब्रिटिश बुर्जुआ के अगेंस्ट, लेकिन ये सब रिवॉल्ट वगैरह को जो है कहीं ना कहीं दबा दिया जाता था बाय दी एलिट बुर्जुआ। ठीक है, ऐसा बताया जाता है मार्क्सिस्ट स्कॉलर के अप्रोच में। लेकिन मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के जो अप्रोच है उनको जो है कहीं ना कहीं जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है क्या कहते हैं इग्नोर कर दिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मार्क्स का जो है नोशन क्या होता है कि सबको इकोनॉमिकली इक्वल इक्वल रखना चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पर जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, रिलीजियस इक्वलिटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में बात होने वाली है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है यही चीज़ देखने को हमको मिलती है कि हमें जो है मार्क्स, मतलब ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं, जितने भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स आते हैं हम उसकी इन जनरल बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो जो है इग्नोर कर देते हैं कि इंडिया के अंदर, इंडिया के नेशनल मूवमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं थी कि कौन रिच है और कौन जो है पुअर है, बल्कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट भी इसके साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे कि प्रोफेसर बिपिन चंद्र, आपको पता होगा इनकी बुक है, आप पढ़ सकते हो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या फिर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी है। तो बेसिकली ये एक नेशनलिस्ट स्कॉलर है, तो ये जो है नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव से बताएंगे। और जो है सबल्टन स्कॉलर आपको अलग मिल जाएंगे, रंजीत गुहा, तो वो आपको जो है सबल्टन स्टाइल में बताएंगे। और मार्क्स स्कॉलर आपको अलग मिल जाएंगे, ठीक है, RP दत्त वगैरह, तो वो आपको अलग तरीके से बताएंगे। तो हर एक स्कॉलर जो है अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है एंड वो आपको उसी तरीके से जो है बताएंगे। तो आपको जो है समझना है कि किस तरीके से डिफरेंट जो है डिफरेंट स्कॉलर्स को पढ़कर आपको समझना है, एक बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पर भी प्रोफेसर विपिन चंद्र वही बताते हैं कि किस तरीके से जो बुर्जुआ क्लास थी, बुर्जुआ मतलब किस तरीके से वो जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स है वो बताते हैं कि जो बुर्जुआ क्लास है वही डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो बुर्जुआ क्लास है वही जो है नेशनल लीडरशिप को फॉर्म करती है, लेकिन वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि क्या?
जैसे कि हम देखेंगे कि जो रिलीजन स्ट्रगल है, उसके अलावा जो हमारा कल्चरल स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ जो है उसको पूरी तरीके से जो है नॉन वायलेंट फॉर्म दे देते हैं, बल्कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोग रिवॉल्ट कर रहे थे। अगर आप देखें तो झांसी की रानी अलग तरीके से रिवॉल्ट कर रही थी, जो है हमारा यूपी के हमारे जो है वो अलग रिवॉल्ट कर रहे थे, हमारा जो है कुंवर सिंह अलग से रिवॉल्ट कर रहे थे, बहादुर शाह जफर अलग तरीके से रिवॉल्ट कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद अलग तरीके से रिवॉल्ट कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस अलग तरीके से रिवॉल्ट कर रहे थे। तो हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग तरीके से रिवॉल्ट कर रहा था, द कैपेसिटी वन हैव टू रिवॉल्ट, तो वो उस तरीके से जो है रिवॉल्ट कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात आती है कि ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जो रिवॉल्ट है वो एक ही तरीके से हुआ है, तो इसलिए जो है प्रोफेसर बिपिन चंद्र इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो है वो पूरे जो मूवमेंट है उसको एक ही तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ तक के हमारा जो है हो चुका है। अब हम समझते हैं कि हमारा ये जो हमने अप्रोच पढ़ी है कौन सी अप्रोच थी, हमने जो है दोनों के अप्रोचेस को जो है क्वांटिटेटिवली देखा। हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ी बेसिकली, और मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर जो है हमने इससे पहले हमने कॉलोनियल अप्रोच पढ़ी थी, और इससे पहले हमने कौन सी अप्रोच पढ़ी थी देख लेते हैं, इम्पीरियलिस्ट अप्रोच पढ़ी थी। ठीक है, तो इम्पीरियलिस्ट अप्रोच कॉलोनियल अप्रोच और हमने साथ में मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ ली है। अब हमको पढ़नी है, इससे पहले हमने नेशनलिस्ट अप्रोच भी पढ़ ली थी। अब हमारी जो लास्ट है और जो मैं आपको बता रही थी, एक होती है हमारी सबल्टर्न अप्रोच। तो पांच अप्रोचेस इस चैप्टर में हैं और पांचवे अप्रोच जो है हमारी लास्ट अप्रोच जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब सबल्टर्न से आप क्या समझते हैं वो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो सबल्टर्न जो है एक इस तरीके का टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है एक लोअर रैंक पीपल के लिए। तो यूजुअली जो है सबल्टर्न जो है ब्रिटिशर्स के टाइम में यूज़ किया जाता था, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे जो ब्रिटिशर्स के जो कि लोअर रैंक के हुआ करते थे, लेकिन उसका रिलेशन इससे नहीं है। तो सबल्टर्न अप्रोच जो है बल्कि वो बहुत ज़्यादा रिसेंट अप्रोच है। देखिए सबल्टर्न का जो मीनिंग है वो तो वही रहेगा लोअर रैंक या फिर कम रैंक वाला, ठीक है, जिसका स्टेटस जो है वो नीचे हो, निचला हो, तो वो उसका मीनिंग है। तो बेसिकली इंडियन कंटेक्स्ट में जो है ये किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है बेसिकली रणजीत और रामचंद्र गुहा ने, और इनकी जो राइटिंग्स है ये जो है इन्फ्लुएंस हुई थी ग्रामस्की, एंटोनी ग्रामस्की का नाम आपने सुना होगा, वो एक इटालियन थिंकर थे, उनके आइडिया से जो है ये इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमें पार्थो चैटर्जी, सुमित सरकार, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इस अप्रोच में। और सब अल्टरन स्टडीज़ कलेक्टिव जो कि 1982 में फाउंड हुई थी, वो एक नया क्रिटिक बनाने लग गई कॉलोनियलिस्ट और नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव का ऑफ कॉलोनियलिस्ट कंट्री। तो बेसिकली सब अल्टरन स्टडीज़ जो फाउंड हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो बेसिकली दोनों भी तरीके के जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर जो है नए नए तरीके के क्रिटिक आने लग गए, जैसे कि कॉलोनिस्ट का जो एक पर्सपेक्टिव था और एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव था, दोनों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और जो है सबल्टरन पर्सपेक्टिव जो है वो देखने की फोकस की जा रही थी। सबल्टरन स्टडीज जो है वो क्या होती है, बेसिकली वो ये होती है कि जैसे कि समझ लीजिए कोई जैसे कि आपने देखा होगा कि जिसको पढ़ना लिखना आता है हिस्ट्री में, जिसको पढ़ना लिखना आता है इतिहास, वही लिखता है, ठीक है, तो इतिहास वही लिखता है जो पावरफुल होता है, जो जो होता है रिस्पेक्टेड होता है, जो लिखता है वही कंसिडर कर लिया जाता है, और इतिहास में सब अपने आप को बहुत महान बताते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जो सबल्टर्न हिस्ट्री है वो किस पे फोकस करती है, पीजेंट्स ने जो रिवॉल्व किए, हो सकता है उन्होंने कहीं लिखा नहीं हो लेकिन लोगों के दिमाग में रहता है, ओरल हिस्ट्री में रहता है, तो उस चीज़ पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और साथ साथ वो फोकस करते हैं कि किस तरीके से पॉपुलर इंसर्जेंसीज थी जिससे जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन होती है इन अ वैरायटी ऑफ द चेंजिंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ इवॉल्विंग मॉडर्निटी। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से उस टाइम पे ऐसे किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जिसके वजह से जो है लोग डोमिनेट, क्योंकि देखिए आप जो जो बुर्जुआ क्लास होती है, जो बेसिकली जो कि इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो लोग इतना ज़्यादा डोमिनेटेड नहीं थे, मतलब वो लोग इंडिपेंडेंट थे आइदर फिनेंशियली, ठीक है, तो बेसिकली वो रिवॉल्ट कर सकते थे, लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेटेड थे और डोमिनेटेड थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो ही एग्जामिन किया जाता है कि जो 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 बुर्जुआ क्लास है वो किसको डोमिनेट करती है, वो डोमिनेट करती है द इंडियन पीजेंट्स को। तो बेसिकली वो ट्विनली एक्सप्लॉइटेड होते हैं, मतलब जो हमारे पीजेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर वो दो तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, पहले तो वो ब्रिटिशर से भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और बुर्जुआ क्लास से भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो वही चीज़ को समझा जाता है
कि किस तरीके से जो है उस टाइम पे विमेन का क्या स्टेटस था। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जो है सिर्फ रिटर्न चीज़ों को नहीं दिखाया जाता, बल्कि देखा जाता है ये किस तरीके से जो है ओरल स्टोरीज चली आ रही है उसको भी कंसिडर किया जाता है। सिंपल सी बात यही है कि सबाल्टर्न अप्रोच, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो क्या व्यू पॉइंट लेती है, वो व्यू पॉइंट लेती है उन मासेस का जो सबॉर्डिनेट कर दिए गए, जैसे कि पुअर पीजेंट्स, ट्राइबल लोग, विमेन, अनटचेबल्स और बाकी सारे लोग जो कि पावरलेस थे। तो बेसिकली वो बताती है इंडियन सोसाइटी हमेशा से दो भाग में बटी हुई है, जैसे कि आम माना जाता है आज भी जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक हैव एक हैव नॉट। तो एक जो है पर्टिकुलरली उसके पास सब कुछ है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, और जो एक पार्ट है उसके पास जो है बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है। तो आज भी वर्ल्ड जो है वो हैव्स और हैव्स नॉट में बटा हुआ है। तो उस टाइम पे भी जो है इंडियन सोसाइटी माना जाता है कि हैव्स एंड हैव्स नॉट में बसी हुई थी, मतलब बेसिकली एलिट ग्रुप में बसी हुई थी और सबल्टर्न ग्रुप में बसी हुई थी। तो ऐसा लोग जिसके पास जो है बेसिक नेसेसिटी नहीं है, और ऐसे लोग जो कि बहुत पावरफुल है क्योंकि उनके पास सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। और बेसिकली दोनों में दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, जैसे कि जो सबाल्टर्न लोग रहेंगे वो लोग क्या चाहेंगे कि हमारा जो है क्या कहते हैं कम पैसों में हमें कुछ चीज़ें मिल जाए, बेसिक नेसेसिटी मिल जाए। और एलीट लोग क्या चाहेंगे, एलीट लोग चाहेंगे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो बेसिकली आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर डैम बनवाना है तो वहाँ के ट्राइबल लोग जो है वो डिस्पोज हो जाते थे, डिस्पोजेस हो जाते थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता था विदाउट गिविंग देम एनी रेमेडियल सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों भी पर्सपेक्टिव के बीच में आपको देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रेडिकेशन है। कॉन्ट्रेडिकेशन किस चीज़ का है, कॉन्ट्रेडिकेशन इसका है कि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो दोनों के लिए जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो दोनों भी डिफरेंट है। और एक और चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री जो है हमेशा से जो है डोमिनेंट क्लास के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, क्योंकि जो पुअर होते थे उनको लिखना ही नहीं आता था, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, बचपन से उन्हें चाइल्ड लेबर करना पड़ता था तो लिखेंगे कहाँ से, तो उन्हें लिखना नहीं आता था और वो समझ भी नहीं सकते थे। और यहाँ तक कि वो ये भी बताते हैं कि जो इंडियन एलीट था और जो ब्रिटिश एलीट था, तो इंडियन एलीट और ब्रिटिश एलीट दोनों ना साथ में मिलकर जो है जो जो पुअर क्लासेस को जो है कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट कर रहे थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए आपने एक चीज़ समझी होगी कि आपने जो है मूवी में भी देखा होगा कि जो इंडियन लोग थे वही जमींदार बनते हैं, ठीक है, और इंडियन लोग जो है ज़मींदार बनते हैं और ब्रिटिशर्स जो है वो ज़मींदारों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप जो है एक्सप्लॉय मतलब आप जो है टैक्स कलेक्ट करोगे। तो आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि ज़मींदार ही करते हैं, कहीं ना कहीं जो है जो पुअर लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन। तो वो तो ठीक है कि भाई अंग्रेज़ आए उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन गैरों का क्या कहना जब अपने ही ऐसे काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात आती है कि इंडियन जो हमारे इंडियन थे वही जो है एक दूसरे का भला नहीं चाहते थे, और स्टार्टिंग से जो है ज़मींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था ब्रिटिशर्स के अंदर, इसलिए वो कहीं ना कहीं चैलेंज भी नहीं करना चाहते थे उस सिस्टम को। तो ब्रिटिशर्स का हम नाम ख़राब करते हैं, लेकिन जो जो हमारे इंडियन में जो हमारे ज़मींदार हुआ करते थे वो भी जो है क्या करना चाहते थे कि लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा कर अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, और जो पुअर लोग थे उसको एक्सप्लॉयट करना चाहते थे, उन्हें टैक्स जो है इस तरीके के सिस्टम्स बनाया करते थे ताकि उनको जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनको किसी भी तरीके की रेमेडी या बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते थे अगर उनका क्रॉप फेल हो गया तो, और उन्हें जो है कंपल्सरीली जो है पेमेंट ऑफ मनी या पेमेंट ऑफ काइंड करना ही पड़ता था। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है कि हम जो है सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ब्रिटिश रूल को, बल्कि जो इंडियन बुर्जुआ क्लास है वो भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट करता था ओवर दी इंडियंस, ओवर द पुअर इंडियंस। तो बेसिकली यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो पुअर इंडियंस है, मैंने आपको अभी बताया कि वो दो तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, एक तो इंडियन एलिट उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है और एक तो ब्रिटिश एलिट। और वो बताना चाहते हैं कि इंडियन एलिट का जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ ब्रिटिशर्स के आने से, क्योंकि आप देखोगे कि उस टाइम पे जो है लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो डेवलप होते हैं और उनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन जो सबल्टन ग्रुप्स है वही जो है रियल विक्टिम है कॉलोनियल रूल के। और ये भी बताया जाता है कि सबल्टन ग्रुप जो है वो किससे क्रिएट हुआ, छोटे छोटे ऐसे तरीके के रिवॉल्ट हुआ करते थे जिसको कोई देखता तक नहीं था, ठीक है। और वो बताते हैं कि जो मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग थे वो चीज़ें जो है कंसिडर किया जाती थी कि नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है,
बल्कि हमें जो है समझना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे मोमेंट हैं जो कि इग्नोर कर दिए जाते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबल्टर्न स्कूल जो है वो अपना एनालिटिकल स्ट्रक्चर ग्राम्स्की एंड कॉन्सेप्ट से डिराइव करती है, जिसके मैंने अभी आपको बताया है कि रंजीत गुहा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर है, रामचंद्र गुहा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो वो ग्राम्स्की एंड कॉन्सेप्ट लेती है एनालाइज करने के लिए। तो वो बताती है कि किस तरीके से स्टेट जो है, स्टेट क्या है, ऑफिशियल कोर्जन है प्लस एलिट हेजिमनी। एंड पहली बात तो बताया जाता है कि स्टेट जो है, स्टेट जैसे कि आपको पहले पता है ये मार्क्सिज्म जो है वो, और जो बेसिकली एनार्किज्म जो है वो स्टेट के अपोज होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एनार्किस्ट जो होते हैं वो स्टेट के अपोज होते हैं। तो बेसिकली क्यों अपोज होते हैं, वो क्या समझते हैं कि स्टेट जो है वो एक तरीके से स्टेट क्या है, एक ऑफिशियल कोर्जन का मेथड है। मतलब किसी तरीके से आपको जो है रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो स्टेट को क्या समझा जा रहा है, ऑफिशियल कोर्जन प्लस एलिट हेजिमनी। और यहाँ पर आप देखोगे कभी भी कि जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी जो होती है वो एलीट के साइड डाइवर्टेड होती है, कहीं ना कहीं टिल्टेड होती है बेसिकली। तो ऐसा मानना किसका है, सबल्टर्न स्कॉलर्स का। सबल्टर्न स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि एलीट को मतलब एलीट की हेजेमनी रहेगी हमेशा से गवर्नमेंट के ऊपर। और मार्क्सियन का कहना भी यही है कि डेमोक्रेसी जो है वो बूर्जुआ डेमोक्रेसी है और हमें इस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कर लेंगे, लेकिन हमें इस तरीके की हेजेमनी नहीं चाहिए। अब हम ये भी देखते हैं कि एक स्ट्रगल ऑफ पावर हमको देखने को मिलता है कि कौन जो है डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये एक हमेशा स्ट्रगल ऑफ पावर तो रहता ही है, डोमिनेट कौन करेगा पॉलिटिक्स में। और हम देखते हैं कि जो भी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है वही जो है कहीं ना कहीं जो है हेजेमनी अपनी फॉर्म करता है। तो ये भी बताते हैं कि जो बूर्जुआ क्लास है, वो बूर्जुआ क्लास जो होता है वो पैसिव रिवॉल्यूशन करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बूर्जुआ क्लास होते हैं, जो कि ओनर्स होते हैं कैपिटल और प्रोडक्टिव सोर्सेज के, बेसिकली वो क्या करते हैं, बेसिकली वो ये करते हैं कि अगर उनके पास सोशल पावर नहीं है, देखिए मैंने आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने जो है पढ़ा होगा कि तीन तरीके के कैपिटल होते हैं। एक होता है सोशल कैपिटल, मतलब एक होता है हमारा कल्चरल कैपिटल जिसमें हमारा एजुकेशन आ जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा सोशल कैपिटल होता है जिसके अंदर हमारे नेटवर्क्स आ जाते हैं। एक हमारा होता है इकोनॉमिक कैपिटल जिसमें हमारे जो है रिसोर्सेस आ जाती है और हमारा कैपिटल आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है अगर बूर्जुआ के पास सोशल कैपिटल नहीं रहा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पैसिव रिवॉल्यूशन करते हैं। पैसिव रिवॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और पॉलिटिक्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे ये आपको देखने को मिला होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है जाट्स जो है और यादव और इस तरीके के नाम हमको देखने को मिलते हैं कि कहीं कहीं पर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो बेनिफिट हुआ जिन फार्मर्स को, उन्होंने वहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी बना दी, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो गए। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर भी अपने अगर कहीं पर भी आपको जो है इकोनॉमिक जो है बेस मिल गया तो आप अपना जो है पॉलिटिकल बेस भी जो इस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि जो बुर्जुआ क्लास थी उस टाइम पे भी, तो उन्होंने भी जो है क्या किया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इकोनॉमिक कैपिटल प्रेजेंट था तो उन्होंने जो है कोशिश की कि वो सोशल कैपिटल भी बनाए। कैसे बनाए, एक पैसिव रिवॉल्यूशन करके बनाए। और जो है उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया पोजिशन के लिए, ना कि फॉर दी प्रोलिटेरिएट क्लास और फॉर दी सबल्टर्न क्लास। तो वही जो है सबल्टर्न थिंकर जैसे कि पार्थो चैटर्जी बताते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो उस टाइम पे यही होता है कि जो बुर्जुआ क्लास होती है, फिर आप पावरफुल क्लास बोलो या फिर अपर क्लास बोलो या फिर वो क्लास द क्लासेस विच हैव द रिसोर्सेज, वो क्या करती है, अपना जो पावर है उसको असर्ट करने की कोशिश करती है, उनकी जो मॉरल लीडरशिप है उसको असर्ट करने की कोशिश करती है। किसके ऊपर असर्ट करने की कोशिश करती है, वो चाहती है कि उनका जो है वो पावर में आ सके और जो ब्रिटिशर्स है वो पावर में से हट जाए। तो बेसिकली इसलिए तो कहा जाता है कि मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो इंडिया का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था इट वॉज नथिंग, इट वॉज जस्ट अ बुर्जुआ लेट मूवमेंट। लेकिन सबल्टर्न ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि बुर्जुआ लेट मूवमेंट था, बेसिकली ये बूर्जुआ क्लास थी जो कि हाईलाइट हुई, जो कि पॉलिटिक्स के लिए, जो कि पावर्स के लिए, जो कि पोजीशंस के लिए लड़ाई करी। और जो इतने सारी मेजोरिटी जो लोग थे वो लोग जो है वो भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, जो कि बहुत सारी पॉपुलेशन थी, लेबर लोग थे, वेमेन थी, डिप्राइव्ड लोग थे, अनटचेबल्स थे, वो लोगों ने भी जो है साथ दिया। लेकिन उन लोगों का जो साथ है उसको भुला दिया गया है और वही हिस्ट्री को जो है हमें रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी।
और यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि अगर आप नोटिस करो, ठीक है, मैं किसी लीडर का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप देखिए कि जितने भी लीडर्स थे जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट थे, बाद में जाके जब इंडिया आज़ाद हो जाती है, मेजोरिटी ऑफ देम होल्डेड द पोजिशन इन दी इंडियन, यू नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो ऐसा इनका जो क्लेम है कि जो इंडियन लोग थे वो लोग इसलिए करते थे ताकि जो है वो अपना पावर जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज़ कर सके। तो बेसिकली यहाँ पर वही बताते हैं रंजीत गुहा कि जो इंडिया का जो पॉलिटिक्स था वो स्प्लिट था, यूनिफाइड नहीं था। कैसे? क्योंकि हमने जो है बहुत बड़ी जो हिस्ट्री है वो छोड़ दी है, वो हिस्ट्री हमने छोड़ दी है लोगों की हिस्ट्री। वो क्या छोड़ दी है? क्योंकि हमने देखा है कि जो एलिट पॉलिटिक्स होती है हम उस पर ध्यान देते हैं और लोगों की पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देते। कैसे नहीं देते? तो बेसिकली लोगों की भी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जो लोग थे जो कि डोमिनेंट नहीं थे और जो कि जो है सबअल्टर्न क्लासेस हुआ करती थी, जो कि पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करती थी, बेसिकली लोग, जो लोग हुआ करते थे। तो बेसिकली लोग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लोग जो है वही तो कॉमन लोग हैं। और बेसिकली जितने भी जो बाकी सारे लीडर्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब तो क्या है, वो सब तो डोमिनेटिंग पीपल हैं। तो जो लोग हैं वही यहाँ पर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो पीपल था 99% जो थे वो लोग थे, और उनका नाम कहीं हमको नहीं देखने को मिलता है, हमें सिर्फ और सिर्फ लीडर्स का नाम देखने को मिलता है। इसलिए जो है सबल्टर्न स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि हिस्ट्री को जो है रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब यहीं इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चरल स्प्लिट भी वो देखते हैं कि जो एलिट पीपल थे वो लोग अलग थे और सबल्टर्न लोग भी जो है वो अलग थे, और इसलिए जो है क्या कहते हैं हम इतिहास को अभी तक के समझ नहीं पाए हैं। और साथ साथ सबल्टर्न स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन एलीट थी वो क्या बताती थी कि जो लोग हैं इंडिया के उन्होंने जो है उन्हें कंसेंट दिया है रूल करने के लिए। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो समझिए, एक अगर आपने आर्ग्यूमेंट पढ़ा होगा, अगर आपने डिबेट पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से चीज़ें होती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा फॉर्म किया गया, और ऐसा माना जाता है बहुत बार जो है बाद में डिबेट हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका जो स्टार्टिंग है, उसका जो प्रीएम्बल है, उसमें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो है ये जो लोग हैं, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोगों ने अपने आप को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिया है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी क्या वो डेमोक्रेटिकली हुई थी? क्या वो इलेक्शन के थ्रू हुई थी? नहीं, क्योंकि 1952 में हमारा जो है फर्स्ट इलेक्शन होता है, जो कि 1951 के एंडिंग में शुरू होता है। तो बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आई क्योंकि इसलिए वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक थी, ऐसा भी नहीं है। उसमें जो लीडर्स थे वो लीडर्स थे जो कि डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए फाइट कर रहे थे, फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो वही लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ट्राइबल लीडर्स थे, कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, कुछ हिंदू लीडर्स थे, कुछ सिख थे, और एक तरीके से बहुत डाइवर्स जो है उसका कंपोजिशन था। कुछ जो है ट्राइबल पीपल को सपोर्ट करते थे, कुछ शेड्यूल्ड कास्ट को सपोर्ट करते थे। तो बेसिकली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपोजिशन वहाँ पर प्रेजेंट था। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जो भी लोग हैं वो क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी पावर के थ्रू आ गए। लेकिन फिर भी सबाल्टर्न जो है उसको आर्ग्यू करते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि जो जितने भी लोग आए हैं जो नेशनल मूवमेंट में क्या कहते हैं जिन्होंने साथ दिया था, वही लोग जाके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि लोग जो है कभी चाहते ही नहीं थे कि वो इस तरीके का जो बुर्जुआ क्लास है वो उनके लिए जो है फ्रीडम की लड़ाई लड़े। वो चाहते थे कि वो खुद के लिए खुद की फ्रीडम की लड़ाई खुद लड़े। तो ऐसा बताना चाहते हैं सब अल्टरन स्कॉलर्स, और वो बताना चाहते हैं कि वो जो है कभी उन्होंने जो है बुर्जुआ क्लास को अप्रोच किया ही नहीं, यू नो, फॉर फाइट कि आप जो है हमारे लिए लड़ाई करो। वो तो बुर्जुआ क्लास ही थी जिन्होंने जो क्या कहते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अब जो सब अल्टरन स्कॉलर्स का सब अल्टरन पीपल का यूज़ किया। तो अभी बेसिकली हमने सारे आइडियाज़ डिस्कस कर लिए नेशनलिज्म के कंसर्न में। तो हमने पांच पर्सपेक्टिव नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर लिए, कोलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म अप्रोच, सबअल्टर्न अप्रोच, हमने साथ में जो है नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, पांच अप्रोचेस की तरह, मतलब पांच अप्रोचेस क्या होती है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। देखिए चीज़ वही होती है, चीज़ समझ लीजिए ये एक एक जो है क्या कहते हैं सर्कल है, ठीक है, ये चीज़ वही है लेकिन इनको देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक
ठीक है, तो हमने हमारे इंडियन नेशनलिज्म को देखने के हमने 5 तरीके जो है वो डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली 5 तरीके हमने डिस्कस कर लिए। हो सकता है फ्यूचर में कोई और नया तरीका आ जाए, वो भी नया तरीका इवॉल्व होकर आएगा। बेसिकली यहाँ पर बात ये आती है कि हमने तरीके तो देख लिए कि क्या क्या तरीके होते हैं इंडियन नेशनलिज्म को देखने के। अब हम देखते हैं, एक बार समरी कर लेते हैं इसकी और देख लेते हैं कि किस तरीके से इंडियन नेशनलिज्म जो है वो हमारे लिए क्या मीनिंग रखता है। तो इंडियन नेशनलिज्म जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स के जो एक्सप्लॉयटेटिव रूल था उसके अंडर जो है वो इमर्ज होकर आता है, और इंडियंस को 200 ईयर्स लगते हैं ये नेशनलिज्म के आइडिया को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि 200 साल तक के ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। अगर इंडिया का जो नेशनलिज्म का आइडिया है, ऐसा बोला जाता है ना कि इंडिया हमेशा से जो है एक थी, तो वैसा नहीं था, क्योंकि नेशनलिज्म का आइडिया ही जो है वो ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर इमर्ज होकर आता है। अगर पहले से इंडिया एक होती तो फिर पहले जैसे ब्रिटिशर्स आते तभी हम उनको निकाल देते हैं, हम बोलते कि नहीं हम पे रूल मत करो, हम लोग ही रूल करेंगे। तो बेसिकली इंडिया एक नेशन के रूप में जो है ब्रिटिशर्स के अंडर बनती है। सेकेंडली एक बात आती है कि हर पर्सपेक्टिव जो है वो अलग अलग है, लेकिन हर पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट करके आज का जो व्यू है वो बनाया जाता है, और इसलिए हर व्यू पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यू जो है हमें कुछ ना कुछ बताता है। तो हमें हर पर्सपेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है, और हमने हर पर्सपेक्टिव जो है वो पढ़ लिया है, और आई होप आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्व आपको कर दूंगी वो डाउट। और इसके अलावा जो है इसके सारे वीडियोस आने वाले हैं बाकी सारे यूनिट्स के भी, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। और सेकेंडली मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि अगर आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स के अलावा आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल सॉल्व दैट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, यूनिट नंबर 1 फिनिश हो चुका है हमारा, बाकी चैप्टर्स जो है वो हम फिनिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जो UPT और IIIPT के जो चैप्टर्स बचे हैं वो भी मैं फिनिश कर दूंगी। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम्स आने से पहले मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग एंड बाय।